Hi guys, how are you all doing? My name is Priyanka and welcome to my YouTube channel. आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ एक प्रोडक्ट रिव्यू शेयर करने वाली हूँ. आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ अबाउट कैनकेन स्कर्ट जो मैंने अमेजोन से परचेज़ की है. इस कैनकेन स्कर्ट को आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं, अपनी गाउन्स के नीचे, अपने लहंगास के नीचे, अपनी स्कर्ट के नीचे. बेसिकली कैनकेन स्कर्ट कैनकेन फैब्रिक की लेयर्स से बनी होती है एंड बेस में एक हुप होता है. इन लेयर्स एंड हुप की हेल्प से ही आपको आपके लहंगे में एक फ्लेयर एंड वॉल्यूमिनस लुक मिलता है. अब पैकेजिंग के बारे में बात कर लेते हैं. मुझे ये इस तरह के प्लास्टिक के बैग में अच्छे से फोल्ड होकर रिसीव हुई थी स्कर्ट एंड बाहर से वही नॉर्मल अमेजोन वाली कवरिंग थी. अब बात कर लेते हैं स्कर्ट के बारे में. जो स्कर्ट का ऊपर वाला पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेची है क्योंकि ये स्कर्ट फ्री साइज में है, इसलिए ऊपर वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा थिक एंड स्ट्रेची होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपकी ये वेस्ट पर अच्छे से फिक्स नहीं होगी. अब मूव करते हैं ट्राई ऑन पार्ट की तरफ. मैं आपको अपनी तीन स्कर्ट्स के नीचे इस कैनकेन स्कर्ट को ट्राई करके दिखाऊंगी ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल सके कि कितना फ्लेयर ये कैनकेन स्कर्ट आपके लहंगाज या स्कर्ट को प्रोवाइड करेगी. तो अब आप देख सकते हैं कि ट्राई करने के बाद ये स्कर्ट ऐसी लगती है. इस स्कर्ट का वेस्ट वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेची फैब्रिक से बना है, इसीलिए ये अच्छे से आपकी टमी वाली एरिया पर फिक्स हो जाती है. आप देख सकते हैं कि बॉटम एरिया काफ़ी ज़्यादा फ्लफी है. मैं आपको एक कंप्लीट राउंड लेकर अच्छे से हर डायरेक्शन में दिखा रही हूँ. इस स्कर्ट में दो लेयर्स कैनकेन फैब्रिक के मटेरियल से बनी है एंड थर्ड लेयर स्लिपरी एंड थिक मटेरियल से बनी है जिसमें रिंग या हुप अटैच है बॉटम में. तो सबसे पहले मेरे पास एक ये लाइट कलर के बेस वाली बेज एंड व्हाइटिश टोन में ये स्कर्ट है जिसके ऊपर रेड एंड ब्लैक फ्लोरल प्रिंट का वर्क है. आप देख सकते हैं कि ये स्कर्ट बहुत ज़्यादा प्रिटी है, पर इस स्कर्ट का घेरा इतना ज़्यादा नहीं है. मैं हमेशा से सोचती थी इस स्कर्ट में कैनकेन लेयर ऐड करवाऊँ, इसलिए सबसे पहले मैं कैनकेन स्कर्ट इसी स्कर्ट पर ट्राई करूँगी. कैनकेन स्कर्ट वियर करने के बाद आप सच में डिफरेंस फील कर सकते हैं. कैनकेन स्कर्ट से सच में काफ़ी ज़्यादा फ्लफीनेस आई है मेरी स्कर्ट में. कैनकेन स्कर्ट काफ़ी लाइट वेटेड है एंड मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने कुछ हैवी सा अजीब सा पहन रखा है. चलने में, घूमने फिरने में भी काफ़ी नॉर्मल फील हो रही है ये स्कर्ट एंड काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है. अब बात करते हैं सेकंड स्कर्ट के बारे में. ये डार्क ब्लू कलर में है एंड इसका फैब्रिक जकार्ड का है. आप देख सकते हैं कि स्कर्ट का वर्क काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है. डार्क ब्लू कलर पर गोल्डन वर्क है एंड इसका फ्लेयर इतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए अब इस स्कर्ट पर भी ट्राई करके देखते हैं कैनकेन स्कर्ट को. सच में आप देख सकते हैं कि मेरे लहंगे के ऊपर का सारा वर्क कितने अच्छे से विजिबल हो रहा है एंड मेरा लहंगा काफ़ी ज़्यादा फ्लफ़ी एंड हैवी लग रहा है. पर्सनली मुझे अपने इस लहंगे के साथ कैनकेन स्कर्ट वियर करने के बाद सच में काफ़ी अच्छा डिफरेंस फील हो रहा है. अब मूव करते हैं मेरी थर्ड स्कर्ट पर. मेरी ये स्कर्ट डार्क पिंक कलर की है एंड थिक सिल्क फैब्रिक से बनी है. मेरी पहली दोनों स्कर्ट के कंपैरिजन में इस स्कर्ट का घेरा थोड़ा ज़्यादा है. ये स्कर्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड मैं इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से स्टाइल करती हूँ. अब इस स्कर्ट को भी ट्राई करके देखते हैं कैनकेन स्कर्ट के साथ. ये आउटफिट सच में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. कैनकेन स्कर्ट से सच में मेरी स्कर्ट में काफ़ी अच्छा फ्लेयर एंड वॉल्यूमिनस लुक मिला है.
मुझे सच में बॉल गाउन वाला फील आ रहा है इस आउटफिट में एंड काफ़ी कंफर्टेबल है कैनकेन स्कर्ट। मैं आराम से मूव कर पा रही हूँ एंड मूव करने से भी कैनकेन स्कर्ट काफ़ी कंफर्टेबल है एंड आई रियली इन्जॉय दिस आउटफिट विद द कैनकेन स्कर्ट। इट मेक्स अ ब्यूटिफुल डिफरेंस इन दिस आउटफिट। तो ये था स्कर्ट का ट्राई ऑन पार्ट। इस स्कर्ट को पहनने के बाद मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की हैं। वो है कि जिन स्कर्ट्स का घेरा इसके कैनकेन स्कर्ट के हुप के डायमीटर से ज़्यादा होगा उन सारी स्कर्ट्स पे ये कैनकेन स्कर्ट बहुत अच्छे से वर्क करेगी, जैसा कि आपने मेरी ब्लू एंड पिंक वाली स्कर्ट में देखा। काफ़ी अच्छा फ्लेयर एंड वॉल्यूमिनस लुक आया। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसी स्कर्ट्स हैं जिनका फ्लेयर इतना ज़्यादा नहीं है और उनका फ्लेयर अगर इस हुप के डायमीटर से कम रहा तो वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगेंगी, जैसा कि आपने मेरी फर्स्ट वाली स्कर्ट में देखा जो फ्लोरल वाली थी। तो ओवरऑल मुझे ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा, मैं इसको थम्स अप देती हूँ। अगर आपके पास भी कुछ ऐसी स्कर्ट्स हैं जिनमें हल्का सा फ्लेयर है तो आप इस प्रोडक्ट को बिना टेंशन के ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। So this is all for today's video. I hope you liked this video. If you did, then don't forget to give it a thumbs up and also subscribe to my channel. Meet you in the next video. Thanks for watching.